गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के। तो अपन एक दो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, उसमें से अपन ने दो तीन शायद परिभाषा भी पढ़ ली थी। अब इसके आगे अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और कुछ डेफिनेशंस और हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए जी, डेफिनेशंस के अंदर मैंने शुरुआत में क्या बोला था, सबसे पहले परिभाषा किसकी बताई थी कि नेटवर्क किसको कहते हैं, ऐसा परिपथ जिसके अंदर प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड जुड़ा हो, एक बंद परिपथ के अंदर जुड़ा हो, उसको अपन क्या कहेंगे, नेटवर्क या जाल कहते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी रेखीय प्रतिबाधा की, रेखीय प्रतिबाधा किसे कहते हैं, यदि किसी प्रतिघात के अंदर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अंदर जो वोल्टता उत्पन्न होती है, क्या बोलते हैं, यदि किसी प्रतिघात के अंदर धारा प्रवाहित की जाए तो उस वहाँ पे क्या होगा, वोल्टता उत्पन्न होगी। वोल्टता और धारा के मध्य जो सीधा ग्राफ बनता है उसको अपन क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिबाधा। इसके बाद अपन ने बात की थी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, ऐसी प्रतिबाधा जिसके अंदर धारा प्रवाहित करने से उसकी दिशा परिवर्तित हो, क्या बोलेंगे, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे थे कल, उनमें से किसी एक दो के डेफिनेशंस लिख पाए थे, वो भी अपन ने जल्दी जल्दी में की थी। तो चलो अपन आज उसके बारे में फिर से बात करते हैं, संधि, लूप और पास। किसकी बात करेंगे, संधि, लूप और पास। चलिए जी, इसके लिए अपन एक क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं या फिर कोई परिपथ बनाते हैं। ये अपन ने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये अपन ने कोई दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया और ये अपन ने कोई क्या जोड़ दिया, तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, कोई विद्युत स्रोत जोड़ दिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, इसको अपन ने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी और इस पॉइंट को बोल दिया सी और इस पॉइंट को बोल दिया डी और इस पॉइंट को बोल दिया ई, नेमिंग दे देंगे जी और एच। यहाँ से धारा प्रवाहित की तो इसको मैंने नेमिंग क्या दे दी, आई वन, और यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो एक इस साइड जाएगी और एक इस साइड आएगी, तो इसको अपन ने क्या बोला, आई टू, और इसको क्या बोला, आई थ्री। अब ये धारा अपन ने यहाँ पे और डिनोट की तो फिर क्या हुआ, इधर भी जाएगी और इधर भी आएगी, ये क्या हुआ, आई थ्री, आई फोर और आई फाइव। देखिए तो सबसे पहले अपन इसके अंदर किसकी बात करते हैं, शाखा की बात करते हैं कि शाखा क्या होती है, संधि, लूप, सॉरी शाखा। चलिए जी, सबसे पहले अपन इसके अंदर कौन सी परिभाषा की बात करते हैं, शाखा की बात करते हैं, किसी जाल का वह भाग जिसमें नियत मान की धारा प्रवाहित होती हो, ये कोई अपने पास क्या है, जाल है। अब इसमें अपन ने क्या किया, ये जो धारा प्रवाहित की है ये क्या होनी चाहिए, नियत मान की होनी चाहिए, किसके अंदर होनी चाहिए, शाखा के अंदर, किसके अंदर होनी चाहिए, शाखा के अंदर। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि शाखा के अंदर नियत मान की धारा कौन कौन सी होती है, ये देखिए ए और बी, यहाँ पे अपन ने क्या कि धारा प्रवाहित की तो इन दोनों के बीच जो धारा होगी वो क्या होगी, नियत मान की होगी। तो मतलब कि एक पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ए और बी आया। इसके बाद अपन ने दूसरा धारा प्रवाहित की बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच जो धारा है वो क्या होगी, नियत मान की होगी, तो दूसरा पॉइंट अपना कौन सा आया, बी और सी।
अब सी और डी के अंदर भी अपन ने कोई धारा प्रवाहित की जिसको अपन ने बोला आई फोर, इन दोनों के बीच भी ये जो धारा है ये नियत मान की होगी, तो इसलिए अपने पास एक पॉइंट क्या आ गया, सी और डी। इसी तरीके से अपने पास एक पॉइंट आ गया सी एफ और बी जी आ गया। देखिए सीधी सी बात है कि शाखा किसको बोलेंगे, ये पूरा जाल है, इस जाल के अंदर जो भी नियत मान की धारा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, शाखा बोलेंगे। अब उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार, शाखा। किसी जाल में नियत मान की धारा प्रवाहित की जाए, किसी जाल में नियत मान की धारा या तो अपने को मिलती हो या उसमें प्रवाहित हो, तो उस धारा को क्या कहेंगे, किसी जाल में नियत मान की धारा प्रवाहित हो तो वह धारा कहलाती है शाखा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने कौन कौन से पॉइंट देखे थे, एग्जांपल ए बी, यानी कि शाखा कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी, बी सी, सी डी, सी एफ और बी जी। ठीक है, ये अपनी कौन सी है, इस जाल के अंदर शाखा है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी, सी एफ और बी जी। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, संधि की। संधि भी किससे मिलकर बनी होती है, शाखा से मिलकर बनी होती है, पर शाखा के अंदर क्या होता है, एक नियत मान की धारा होती है, पर संधि के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक बिंदु आपस में क्या हो, मिलते हो, क्या हो, वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएँ आपस में जुड़ती हों। सबसे पहले देखो अपन ने बात की थी शाखा की, कि शाखा के अंदर तो क्या हो जाएगा, धारा की बात करेंगे, कौन सी धारा की, नियत मान की धारा की बात करेंगे, और उसके बाद अपन जब बात कर रहे हैं किसकी, संधि की, तो संधि भी किससे मिलकर बनी होगी, दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में जुड़ती हैं उसको अपन क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक शाखा कहाँ कहाँ पे जुड़ रही है अपन को ये देखना है। तो एक पॉइंट मानो अपन ने क्या लिया, यहाँ पे बी लिया, अब बी के ऊपर इधर से आई वन की शाखा भी आ रही है, इधर से आई टू की शाखा भी मिल रही है और इधर से आई थ्री की शाखा भी मिल रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एक पॉइंट तो अपने पास क्या हुआ, बी पॉइंट, और एक पॉइंट अपने पास कौन सा हुआ, सी पॉइंट। इधर से किसकी धारा आ रही है, शाखा आ रही है आई टू की, इधर से क्या मिल रहा है इसको, बी सी पॉइंट पे कौन सी धारा शाखा मिल रही है, डी पॉइंट, और इधर से कौन सा मिल रहा है, आई फाइव। तो एक पॉइंट अपना कौन सा हो गया, सी। इसी तरीके से अपन बात करते हैं तो ये एक अपना पॉइंट हो गया एफ। अब देखो जी एफ के ऊपर तो एक ये वाली शाखा मिल रही है, संधि बोलते किसको हैं, जहाँ उस वो बिंदु जिसके ऊपर दो या दो से अधिक शाखा जुड़ी हुई हो, तो अपने को शाखा या तो एक दो देखनी है या फिर दो या उनसे दो से अधिक देखनी है। तो एफ की अपन बात करते तो एक शाखा आई फाइव मिल रही है और एक शाखा यहाँ से निकलेगी डी ई, इसको भी तो अपन शाखा ही बोलेंगे ना, रही तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस ही तो नहीं जोड़ रखा है, पर शाखा तो है ही, क्यों, क्योंकि विद्युत स्रोत थोड़ी जोड़ रखा है जो बीच में कट होगा इसका। तो एक शाखा ये हो गई, तो अपना एक पॉइंट कौन सा हो गया, एफ हो गया, और एक पॉइंट अपना कौन सा हो गया, जी हो गया। तो देखो जी बात लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन किसकी, संधि की। संधि भी किससे उत्पन्न होगी, शाखा से उत्पन्न होगी, किससे उत्पन्न होगी, शाखा से, क्या होगी,
वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं मिलकर आपस में जुड़ती हों तो वह बिंदु संधि कहलाता है। संधि को अपन नोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नोड, संधि या नोड कहलाता है। कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? बी, सी, एफ और जी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? लूप की। किसकी करेंगे? लूप की। तो लूप किसको बोलेंगे? वह जाल, किसी जाल में शाखाओं से मिलकर बने बंद परिपथ को क्या कहेंगे? अपन लूप कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी जाल के अंदर, ये भी किससे मिलकर बना होगा? लूप, इसी शाखा से मिलकर बना होगा। शाखा से क्या उत्पन्न हुई? शाखाएं कई शाखाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी? संधि का। अब ये जो शाखाएं हैं, ये किसी बंद परिपथ में, यानी कि इस जाल के अंदर कोई बंद परिपथ का निर्माण करेंगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? लूप। तो देखो, बंद परिपथ कौन कौन से हैं अपने इसके अंदर? ए, बी, जी, एच, ए। वापिस किसके ऊपर आना है अपने को? ए। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है? एक बंद परिपथ बनाना है। तो एक परिपथ कौन सा हो गया अपना? ए, बी, जी, एच। दूसरा परिपथ कौन सा हो गया? बी, सी, एफ, जी, बी हो गया। तीसरा परिपथ हो गया सी, डी, ई, एफ, सी हो गया। और एक परिपथ और बनेगा ए, बी, सी, एफ, जी, एच, ए। इस तरीके से अपन इसके अंदर और भी परिपथों का निर्माण कर सकते हैं या फिर परिपथ लिख सकते हैं। तो बात करते हैं अपन लूप की, कि लूप क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस लिखते हैं। लूप, किसी जाल में कई शाखाएं मिलकर किसी जाल में कई शाखाएं मिलकर बंद परिपथ का निर्माण करती हो या फिर बंद परिपथ बनाती हो, लूप या पास कहलाता है। लूप या पास कहलाता है। अब इसके अंदर अपन ने कौन कौन सा देखा? ए, बी, जी, एच और ए। एक पॉइंट देखा अपन ने बी, सी, एफ, जी और बी। एक देखा सी, डी, ई, एफ, सी और एक अपन ने देखा था ए, बी, सी, एफ, जी, एच, ए। इस तरीके से अपन इसके अंदर
और भी लूप बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अपन ने किसी जाल के अंदर तीन परिभाषा के बारे में बात की है। और ये अपन ने बात क्यों की है, क्योंकि अपन आगे चलकर टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने को लूप का निर्माण भी करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस थी उसके बारे में अपन ने क्या की बात की। इसके बाद अपन बात करते हैं सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल व निष्क्रिय जाल किसको बोलते हैं? एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। चलिए शायद चौथी डेफिनेशन से सक्रिय जाल व निष्क्रिय जाल। ठीक है, अपन ने कोई प्रीपथ लिया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कोई कुंडली ली, यहाँ पे वो संधारित्र लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, कोई प्रतिरोध ले लिया, और इसके अपन इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, किसी विद्युत स्रोत से। इसको अपन ने कुंडली को बोलते हैं एल, संधारित्र को बोलते हैं सी, और रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं आर। बात किसकी कर रहे हैं, सक्रिय जाल की। तो सक्रिय जाल किसको बोलते हैं, ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत स्रोत जुड़ा हो। किसको बोलेंगे, ऐसा परिपथ जिसके अंदर कोई विद्युत स्रोत उपस्थित हो सक्रिय जाल कहलाता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो सिंबल लगाया है मैंने, ये कौन से का है, एसी का है या फिर डीसी का है? देखिए एसी का सिंबल होता है, डीसी का तो होता है ये वाला, और एसी का कौन सा सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे किसका सिंबल लगाया है, एसी का लगाया है। धारा प्रवाहित करनी है, विद्युत स्रोत जोड़ना है, चाहे कौन सा भी लगा दो, एसी लगा दो या डीसी लगा दो। ठीक है, तो पर एसी के अंदर क्या होगा, एसी में धारा बार बार परिवर्तित होती रहती है। क्या होती रहती है, एसी के अंदर ये जो एसी लगाया अपन ने, इसके अंदर जो भी धारा अपन प्रवाहित करेंगे वो क्या होगी, बार बार परिवर्तित होगी। जैसे कि अपन ने यहाँ पे कोई क्या लिया, आवर्तकाल लिया। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे कोई क्या लिया, आवर्तकाल लिया। तो ये जो धारा है एक बार इधर बहेगी, बहेगी तो इस साइड बहेगी, तो ये कौन से वे में जाएगी, पॉजिटिव वे में जाएगी, जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी, तो ये कौन से वे में जाएगी, नेगेटिव वे में जाएगी, जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एसी के अंदर धारा बार बार प्रवाहित होगी। तो इसके अंदर अपन ने धारा अगर इस साइड प्रवाहित की है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि ये धारा इधर से जाके इधर आके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आने के बाद ये धारा फिर प्रवाहित होके कौन से साइड आ जाएगी, पॉजिटिव की साइड, और फिर पॉजिटिव से फिर प्रवाहित होके कहाँ आ जाएगी, नेगेटिव पे आ जाएगी। तो इसलिए अपन इस बोलते हैं कि अगर विद्युत सॉरी एसी अगर जुड़ा है किसके अंदर, सक्रिय जाल के अंदर, तो वहाँ पे कहने का मतलब बस इतना सा है कि एसी के अंदर अपन धारा जो धारा होती है वो बार बार परिवर्तित होती रहती है। तो ये क्या है, सक्रिय जाल। ठीक है, सक्रिय जाल की परिभाषा लिखते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। सक्रिय जाल किसको बोलते हैं, ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत स्रोत जुड़ा हो उसको अपन क्या कहेंगे, सक्रिय जाल कहेंगे। सक्रिय जाल ऐसा परिपथ
जिसके अंदर विद्युत स्रोत जुड़ा हो। विद्युत स्रोत जुड़ा हो क्या कहलाता है? सक्रिय जाल कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करेंगे, पर याद रखना कि सक्रिय जाल के अंदर अपन एसी लगाते हैं तो एसी के अंदर धारा बार बार परिवर्तित होती रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर परिवर्तित होगी और नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की ओर परिवर्तित होती होगी। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तित होती रहती है। अब अपन बात करते हैं निष्क्रिय जाल की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि निष्क्रिय जाल में क्या कहेंगे, अगर सक्रिय जाल के अंदर विद्युत स्रोत जोड़ा है तो निष्क्रिय के अंदर क्या जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ये वाला विद्युत स्रोत यानी कि यहाँ पे विद्युत स्रोत हटा देंगे, वहाँ पे कोई भी विद्युत स्रोत नहीं जुड़ेगा। तो निष्क्रिय जाल किसको बोलेंगे, ऐसा परिपथ जिसके अंदर कोई विद्युत स्रोत ना हो, किसको बोलेंगे, हर चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है, अगर लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगी। ऐसा परिपथ जिसके अंदर या फिर जिसमें विद्युत स्रोत ना लगा हुआ हो, जिसके अंदर लिख दो या फिर जिसके अंदर विद्युत स्रोत ना लगा हुआ हो, जिसके अंदर विद्युत स्रोत ना जुड़ा हो वो कहलाता है अपना निष्क्रिय जाल। ठीक है, तो ये अपन ने बात की सक्रिय और निष्क्रिय। अब तक अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर चार या पांच डेफिनेशंस पढ़ ली। सबसे पहले पढ़ी अपन ने नेटवर्क की, उसके बाद अपन ने पढ़ी रेखीय प्रतिबाधा, तीसरी अपन ने पढ़ी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, चौथी अपन ने पढ़ी संधि, लूप और पास, पांचवी अपन ने पढ़ी सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत स्रोत की। किसकी बात करते हैं, विद्युत स्रोत की। विद्युत स्रोत किसको कहेंगे या फिर विद्युत स्रोत होता क्या है, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, कौन सी, वोल्टता स्रोत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वोल्टता स्रोत। अब वोल्टता स्रोत के साथ साथ एक चीज और पढ़ेंगे, कौन सी, धारा स्रोत, कौन सी पढ़ेंगे, धारा स्रोत। और धारा स्रोत ये भी जानेंगे कि वोल्टता स्रोत से धारा स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं और धारा स्रोत से वोल्टता स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए अपन बोलेंगे कि विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होगा वोल्टता स्रोत और एक होगा धारा स्रोत। देखिए रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, धारा स्रोत की अपन बात कर रहे हैं। अगर किसी परिपथ के अंदर आप लोग धारा प्रवाहित करोगे, तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, वोल्टता स्रोत होना चाहिए। और वोल्टता स्रोत के साथ साथ अपने पास एक स्रोत और भी होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, धारा स्रोत। अब अपन इसके अंदर ये भी जानेंगे कि वोल्टता स्रोत से धारा स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं और धारा स्रोत से वोल्टता स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है वोल्टता स्रोत और सेकंड होता है धारा स्रोत। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं, वोल्टता स्रोत की, कि वोल्टता स्रोत क्या होता है। यदि किसी विद्युत स्रोत में, किसमें बात विद्युत स्रोत की कर रहे हैं, पार्ट विद्युत स्रोत के हैं,
तो क्या बोलेंगे, यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, वोल्टता स्रोत। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत जगह काम आएगा वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत, कई जगह अपने को वोल्टता स्रोत निकालनी भी होगी। तो बात करते हैं अपन वोल्टता स्रोत की। ठीक है, चलो जी पहले समझो इसको। ये अपन ने कोई क्या लिया, बॉक्स लिया। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया, कोई बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स पे अपन ने ये बॉक्स के अंदर कोई दो पॉइंट दे दिए। अब यहाँ से अपन ने क्या लिया, आउटपुट ले लिया। अब इस आउटपुट को भी अपन आउटपुट के अंदर भी क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा क्या कर लेंगे, बॉक्स ले लेंगे। ले लिया, इस बॉक्स को अपन क्या बोल देंगे, जेड एल। जेड क्या होती है यहाँ पे, प्रतिबाधा। एल क्या होता है, लोड होता है। जेड क्या होती है, प्रतिबाधा, और एल क्या है, लोड। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, लोड प्रति बाधा बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, कोई रेजिस्टेंस ले लेंगे, या फिर इसको अपन क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये अपने पास क्या हुआ, जेड। ये क्या हुआ, जेड। जेड यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा। जेड को क्या बोलते हैं अपन, आंतरिक प्रतिबाधा। और ये किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो बात किसकी कर रहे हैं, वोल्टता स्रोत की कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या, यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा, देखो ये अपन ने कोई डायग्राम ले लिया। अब यदि किसी विद्युत स्रोत, ये पूरा क्या है, विद्युत स्रोत। यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, वोल्टता स्रोत। जरा ध्यान से सुनो, रिपीट कर लूँ। यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, वोल्टता स्रोत कहेंगे। ZL का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ZL का मतलब होता है, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, निर्गत मिलता है। इसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं। ZL क्या होती है यहाँ पे, ZL के ऊपर अपने को क्या मिलती है, निर्गत मिलता है। तो इसके मान को अपन क्या करेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं, 1, 2, 3 चाहो जितना भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलो इसको अपन लिखते हैं, वोल्टता स्रोत किसको बोलते हैं, यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा को अपन डिनोट करेंगे जेड से, किससे करेंगे, जेड से। आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा किससे डिनोट करेंगे, जेड एल से। लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो
उसे वोल्टा स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वोल्टा स्रोत कहते हैं। ठीक है, जेड एल का मतलब अपने यहां पे होता है, जरा ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से रिपीट कर लूं। वोल्टा स्रोत किसको बोलते हैं? यदि किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वोल्टा स्रोत। और जेड एल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जेड एल पर अपने को क्या मिलता है? निर्गत मिलती है। अगर निर्गत मिलेगा तो उसके मान को अपन क्या करेंगे? परिवर्तित कर सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे वोल्टा स्रोत। ठीक है, जैसे कि अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई टॉर्च ली, क्या ली मैंने? कोई टॉर्च ली, उसके अंदर क्या कर दिए? सेल डाल दिए। सेल डालने के बाद उस टॉर्च को मैं क्या करूँगी? चलाऊँगी। तो उस टॉर्च को मैं चलाए जा रही हूँ, वो टॉर्च क्या दे रही है? बराबर प्रकाश दे रही है। उस टॉर्च को मैं चलाती जा रही हूँ, तो उसके सेल क्या होंगे? डिस्चार्ज तो होंगे। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं फिर भी उसके बल्ब से प्रकाश सेम कैसे आ रहा है? कोई बता सकता है कि फिर भी उस टॉर्च के बल्ब से प्रकाश सेम कैसे आ रहा है? अगर मैं टॉर्च को यूज करूँगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसके जो सेल होंगे वो डिस्चार्ज होंगे, तो प्रकाश भी तो कम होना चाहिए, पर प्रकाश यहाँ पे क्या हो रहा है? कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई रीजन बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि V इक्वल क्या होता है? IR होता है। ठीक है, अब अगर किसी स्रोत के अंदर धारा कम हो रही है समय के साथ साथ, क्या हो रही है? समय के साथ साथ धारा कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा ही अपन क्या कर रहे हैं? टॉर्च के अंदर कर रहे हैं। टॉर्च को अपन काफ़ी समय या फिर कई दिनों तक चलाते जा रहे हैं, तो समय के साथ उसकी धारा में क्या होगी? कमी होगी, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो माना कि अपन ने धारा कितनी है अपने पास? स्टार्टिंग में 4 है और रेजिस्टेंस क्या है? 1 है। ठीक है, उसके बाद अपन ने समय के साथ धीरे धीरे उसके धारा में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पे अपना क्या धारा कितनी आ जाएगी? 2। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब फिर और कमी आ रही है, तो इसको अपन धारा कितनी हो जाएगी?